अभी जो हमारा प्रैक्टिकल है वो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है क्लैरिस बैटरी का। अभी जो हमारे पास मॉडल है वो क्लैरिस बैटरी का से हम इसका एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले फिश को पकड़ेंगे यहाँ से। ये एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन किल के पीछे होता है। अभी हम इसका स्किन रिमूव करेंगे। इस फिश को वॉकिंग कैश भी बोलते हैं। अभी जिसका आयु सेंस डेट्स वो लीस्ट कंसर्न है, लीस्ट कंसर्न है, कोई मसला नहीं, इसको आराम से डाल सकते हैं। अभी हम इसका स्किन रिमूव करेंगे जोर से, धीरे धीरे से हम इसका स्किन रिमूव करेंगे। हमें कैविटी नजर आएगी इसमें, उसको हम बोलते हैं सुपर ब्रांचियल कैविटी। उसी में ये होता है एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये बिल्कुल पीछे गिल के होता है, थोड़ा सा दिख रहा है, देखो आप। देखो ये आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल पीछे है किले उसके, और एक कैविटी होती है उसी में ही होता है, उसको बोलते हैं हम सुपर ब्रांचियल कैविटी। बिल्कुल पीछे गिल्स के होता है। देखो हमने निकाला भी, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, जैसे एलुलाई होते हैं वैसे ही होता है। ये बिल्कुल पीछे ये गिल्स के साइड में होता है, गिल्स से अटैच भी होता है। ये देखो बोथ साइड्स होता है इसको, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, ठीक है। अब हमने दोनों साइड से इसको निकाला है, एक्सपोज किया है इस फिश का, क्लैरिस बैटरीज का, एक तो राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। ये दिख रहा होगा आपको, ये बंच ऑफ ग्रेप, ये कैविटी जिसको हम बोलते हैं सुपर ब्रांचियल कैविटी, ये एब्जॉर्बेंट होते हैं, एक साइड से भी और दूसरे साइड से भी हमने निकाला, ठीक है।